जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे लाइफ ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर एक देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्री इलाके में इंडियन नेवी की डोमिनेंस को प्रेजेंट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय समुद्री शक्ति का प्रतीक है। इंडियन नेवी इंडिया को 3 डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। उस प्रोटेक्शन में एयरक्राफ्ट कैरियर का एक बहुत बड़ा योगदान है। इंडियन बाउंड्रीज के ओशियानिक एरिया वर्ल्ड ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट रूट है। ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे मेजर्स ले रहा है। इंडियन नेवी जो हमेशा जुड़ी है कंट्री के प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन से, उनके इस मोटो में एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी का साथ दे रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ऑपरेशनल पॉसिबिलिटी को सक्सेस का चांस मिलता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कई की एरियाज में बेनिफिशियल साबित हो सकता है, जैसे सर्विलांस, एयर प्रोटेक्शन, प्रायर थ्रेट अलर्टिंग, प्रोटेक्शन ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सी इन्वेजन। लैंड पे होने वाले वॉर्स एंड अग्रेशन को सी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हमारा कैरियर बैटल क्रू बेहद मोबाइल है। ये 24 घंटे में 1000 किलोमीटर तक अपनी जगह बदल सकता है। 400 किलोमीटर के अराउंड ये अपना एरिया सैनिटाइज कर सकता है। एज अ रिजल्ट इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे अटैक करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये अपनी मोबिलिटी की वजह से लोकेशन चेंज कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हार्ड टारगेट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास हाई मोबिलिटी पावर होती है। इसीलिए वो एनिमी स्ट्राइक्स के लिए वल्नरेबल टारगेट्स नहीं रहते हैं। इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की हेल्पर्स बन जाते हैं टू अचीव एयर डोमिनेंस एंड सी कंट्रोल। इंडियन नेशन के बर्थ के बाद से एयरक्राफ्ट कैरियर की नीड अराइज हो गई। इंडिया को ब्लू वाटर नेवी कंसिडर किए जाने के लिए खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर होना जरूरी था। काफी समय से इंडियन नेवी ने ओल्ड वेरियंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम यूज किए थे, जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। INS विक्रांत 19,000 टन का कैरियर इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। INS विक्रांत एशियन कंट्रीज का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। विक्रांत ने 1971 वॉर में भी एक अहम रोल निभाया था। INS विक्रांत बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड था। विक्रांत ने पाकिस्तानी फोर्सेस से हमारे ईस्टर्न सेक्टर को भी प्रोटेक्ट किया था। INS विक्रांत ने इंडिया को 36 साल से ज्यादा सर्व किया। विक्रांत को 1997 में डीकमीशन कर दिया गया था। INS विराट इंडिया का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर था। विराट ने इंडियन नेवी में ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स की सर्विस दी। फिर INS विक्रमादित्य, अ मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ रशियन नेवी, 2013 में इंडियन नेवी में आया। ये वेसल लगभग 44 एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। With more than 1600 personnel, INS Vikramaditya is a floating city and a master class. इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सारी फैसिलिटीज हैं। People in Vikramaditya are loaded with excitement and professionalism. हमारे former aircrafts या तो British या तो Russia द्वारा बनाए गए हैं। New aircraft carrier INS Vikrant is completely made in India. ये एक purely indigenous aircraft है। आत्मनिर्भर भारत का शानदार एग्जाम्पल INS विक्रांत एक मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये शिप इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे बिल्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। मैक्सिमम मटेरियल जो INS विक्रांत में यूज हुआ है वो इंडिजिनस है। इस मैसिव शिप को बिल्ड करने में नियरली 2000 वर्कर्स की स्ट्रेंथ लगी है। इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी सुप्रीमली पावरफुल है। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप इस ऑपरेशनल एरिया में हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, विद द कैपेसिटी टू कैरी ओवर 30 एयरक्राफ्ट्स ऑन बोर्ड। INS विक्रांत के साथ हम उन देशों के बीच गिने जाते हैं जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। INS विक्रांत नए भारत का उभरता चेहरा है,
जिसे बनाने और मेंटेन करने में इंडियन नेवी की डिटर्मिनेशन और परफॉर्मेंस साफ तौर पर नजर आती है। हमारे सी वॉरियर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोनों ही देश के एसेट्स हैं। इंडियन नेवी इंडियन ओशन की स्वॉर्ड है, जिसने मैरिटाइम डोमेन में एक्सीलेंस हासिल की है। इंडियन नेवी इज कीपिंग आवर फ्लैग हाई एंड विल डेफिनेटली कीप इट हाई फॉरएवर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।